हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी कढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही फेमस कश्मीरी डिश जो कि है यखनी। यखनी जनरली एक नॉन वेजिटेरियन डिश है जिसमें चिकन को हम दही के साथ और कुछ बहुत ही अच्छे मसालों के साथ पकाते हैं। अगर आपको वेजिटेरियन यखनी बनानी हो तो उसके लिए हम चिकन की जगह यूज़ करेंगे कमल ककड़ी। तो आइए देखिए कैसे बनेगी वेजिटेरियन यखनी। मैं उम्मीद करती हूँ हेल्दी कढ़ाई की वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए हेल्दी कढ़ाई को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। यखनी बनाने के लिए हम लेंगे 200 ग्राम कमल ककड़ी या भेड़, 200 ग्राम दही, एक बड़ा चम्मच बेसन का, कुछ खड़े मसाले जैसे कि छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और कुछ तेज पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1.5 चम्मच सौंफ का, 1 चम्मच जीरे का, नमक, रंगदार मिर्च और अदरक का पाउडर। सबसे पहले हम कमल ककड़ी को छील लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये कर लिए हैं। अब इनको हमें ये सब खड़े मसाले डालकर प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम करना है। 1 से 2 विसल देनी है जिससे कि कमल ककड़ी के पीसेस सॉफ्ट हो जाएं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे कमल ककड़ी के पीसेस सॉफ्ट हैं। मैंने इनको पहले ही स्टीम करके रख लिया है, इसके अंदर सारे फ्लेवर आ गए हैं। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे जिसमें हम डालेंगे स्टीम किए हुए कमल ककड़ी के पीसेस और इसके अंदर हम वही पानी डालेंगे जिसमें हमने इनको स्टीम किया था, ताकि सारे फ्लेवर्स इसी के अंदर रहें। दही को और बेसन को आप मिक्स कर लीजिए। इसका मिक्सचर तैयार करके हमें ये मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है। बेसन हमने इसलिए यूज़ किया है जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। इस मिक्सचर को अच्छे से हिलाते रहिए, नहीं तो दही फट सकती है। फ्लेम को मीडियम रखिएगा और हमें इस मिक्सचर को तब तक हिलाना है जब तक कि इसमें उबाल आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है और इसमें उबाल भी आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आप आधा कप पानी भी डाल सकते हैं अगर ग्रेवी थोड़ी ज्यादा थिक है। इसको आप हिलाते रहिए। इसके अंदर डालिए नमक आपके स्वाद के अनुसार और इसमें इसे हम फिर पकाएंगे 1 से 2 मिनट। इसके अंदर डालेंगे हम अदरक का पाउडर और सौंफ। यखनी के अंदर सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। सौंफ और सारे खड़े मसालों के साथ यखनी एक फ्लेवर से भरपूर डिश है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाते रहेंगे जब तक ये थोड़ी और थिक हो जाए और सारे फ्लेवर्स अच्छे से यखनी के अंदर आ जाएं। साथ ही में हम तैयार करेंगे यखनी का तड़का, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी गरम कर लिया है और इसके अंदर हमने डाला है जीरा और हरी मिर्चें। किसी भी कश्मीरी डिश के ऊपर देसी घी का तड़का बिल्कुल जरूरी है, इसके बिना वो डिश बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसमें फिर हम डालेंगे रंगदार लाल मिर्च जिससे कि कलर अच्छा आ जाए। हमारी यखनी ऑलमोस्ट तैयार है। ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी है। अगर आपको ये फिर भी थिक लगे तो आप थोड़ा और पानी डाल सकते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक और पका सकते हैं। अब आइए हम यखनी को सर्व करते हैं। यखनी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको हम जनरली चावल के साथ खाते हैं या आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट चावलों के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके ऊपर अब हम डालेंगे तड़का जो हमने देसी घी का तड़का तैयार किया है। और ये देखिए, फ्लेवर से भरी हुई कश्मीरी यखनी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आपको इसका टेस्ट जरूर पसंद आएगा। वेज यखनी की इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और बताइएगा अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर। हेल्दी कढ़ाई को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।